कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ हम हल में मानेंगे k=3q+r, जहाँ r चूंकि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो r का मान 3 से छोटा यानी 0, 1, 2 होगा। अब यहाँ पर अगर हम a1 लेते हैं तो हमारा बनेगा 3q+0 बराबर बन जाएगा 3q। फिर अगर हम a2 लेते हैं तो ये बनेगा 3q+1 और इसी तरह से a3 लेते हैं तो 3q+2 यानी एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार हम 2 रखेंगे। आगे आएंगे तो अब चूंकि यहाँ कहा है घन, तो हमें घन करना है यानी घन। तो घन के लिए हमें मिल जाएगा a1q बराबर होगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा। तो 3 × 9 = 27 q³ होगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q³ बच जाएगा। इस 3q³ को हम m लिख देंगे तो ये बन जाएगा 9m। आगे हमें क्या मिलेगा, जहाँ m बराबर हमने किसको माना है, तो m हमने माना है 3q³ को, इसको हम 1 बना लेंगे। इसी तरह से a²³ लेंगे तो हमें मिलेगा 3q और +1 का होल क्यूब। अगर हम a³ यानी 3q का होल क्यूब +b³ माने 1 का क्यूब +3a माने 3q और b मीन्स 1 और a+b यानी 3q+1। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं 3 × 9 = 27 q³ +1 का क्यूब 1 होगा और 3 × 9 = 27 q² हो जाएगा, क्योंकि q का गुणा q में करेंगे तो q² बनेगा। 3 × 9 q का गुणा 1 में करेंगे तो 9q बन जाएगा। तो ये बना 27 q³ और +27 q² और +9q और +1 को हमने बाहर कर दिया। इस पूरे में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3q³ और 9 × 27 यानी 3q² और 9 × 1 = 9 यानी q बचेगा, +1 बाहर हो जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख देंगे, इस पूरे को m मानेंगे तो ये बनेगा 9m+1 हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा क्या, जहाँ m = m हमने किसको माना इस पूरे को, तो 3q³ +3q² और +q को हमने 9 मान लिया है। ये हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इसी तरह से हम तीसरा लेंगे तो a³, तो ये हमारा बन जाएगा 3q और +2 का होल क्यूब बनेगा। अगर हम बात करें तो a³ माने 27q³ +b³ माने 2 का क्यूब, 2 × 4 = 8 होगा +3ab, तो 3a का मतलब 3q और b का मतलब 2, बाकी ब्रैकेट में 3q+2। आगे आएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 27q³ और 3 × 9 और 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54 हो जाएगा q². फिर आगे आएंगे तो 3 × 9 = 18, 18 × 2 = 36 हो जाएगा q। अगला हमारा ये जो 8 बचा हुआ है इसको हम लास्ट में लिख देंगे, तो चूंकि 9 कॉमन लेना है तो इसलिए 9 से कम है तो 8 पूरा लिखा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 × 27 3q³, 9 × 6 = 54 यानी 6q² और 9 × 4 = 36 q और +8 बन जाएगा। इस पूरे को अगर हम m मानेंगे तो 9m+8 यानी समीकरण नंबर आगे 3 हो जाएगा, जहाँ हमें क्या मिलेगा,
यम बराबर जिसको हमने माना है तो तीन क्यू क्यूब को, छः क्यू स्क्वायर और प्लस चार क्यू को हमने ये माना था। तो हमें क्या मिला, समीकरण एक दो व तीन से। तो समीकरण एक हमारा क्या दिया गया है, तो समीकरण एक है नवयम, दूसरा है दो नवयम प्लस वन और तीसरा है हमारा नवयम प्लस आठ। और यही हमें लाना था कि नवयम नवयम प्लस वन या नवयम प्लस एट के रूप का होता है। तो हमें क्या मिला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नवयम नवयम प्लस वन या नवयम प्लस एट के रूप का होता है और यही हमारा आंसर बन जाएगा।